गाइज़ वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले यार मेरी पहले वाली सरोजनी नगर वीडियो को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सरोजनी नगर मार्केट जाके उसकी हॉल वीडियो और एक्सप्लोर वीडियो बनाओ। आज हम एक्सप्लोर करेंगे सरोजनी नगर मार्केट के विंटर कलेक्शन को। बहुत ही प्यारा कलेक्शन आया है, कुछ ट्रेंडी जैकेट्स, ड्रेसेस, बहुत सारी चीज़ें मैंने लिए, बूट्स वगैरह भी मैंने लिए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या कलेक्शन है मार्केट में, आप अच्छे से देखना पूरी वीडियो को। काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलेक्शन लगा मुझे इस बार का। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शॉप नंबर्स भी मैं आपको बता दूंगी स्क्रीन पे ही, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सो सबसे पहले गेट नंबर 3 से मैंने एंट्री ली थी, वहाँ पे शॉप नंबर 51 थी। वहाँ पे ये टेडी फर वाले स्वेटर मिल रहे थे 100 रुपीज़ में, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे इसमें, मुझे बहुत प्यारे लगे। शॉप नंबर 54 की मैं बात करूँ तो बहुत ही ट्रेंडी टॉप जो होते हैं ना, जो कि बहुत ट्रेंड में चल रहे होते हैं, वो इस शॉप पर मिलते हैं। अगर आप सरोजनी नगर जा रहे हो ना तो यहाँ ज़रूर जाना, बहुत अच्छा आपको कलेक्शन लगेगा। तो आप देख सकते हैं पिंक वाला, और जो भी मैंने चीज़ें ली है वो मैं आपको हॉल वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं शॉप नंबर 54 का कलेक्शन, बहुत ही प्यारा कलेक्शन लगता है मुझे इनका। ₹350 में ये टॉप देते हैं और ये लेस नहीं करते हैं, तो इतने में ही मिलता है। शॉप नंबर 180 की मैं बात करती हूँ, यहाँ पे ना मैं ऐसे ही एक्सप्लोर कर रही थी, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी भैया लेके खड़े होते हैं, ये 150 रुपीज़ में मिल रहे थे, तो मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रही थी, आप देख सकते हैं कलेक्शन। तो मैंने यहाँ पे देखा सेल 80, तो 80 में ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मुझे प्यारा सा एक लेवेंडर कलर का स्वेटर मिला। आप देख सकते हैं लग भी नहीं रहा है कि ये 80 रुपीज़ का है। इसको ट्राई करके मैं आपको हॉल वीडियो में दिखाऊंगी। इसी शॉप की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन का कलेक्शन भी बहुत प्यारा था, जैकेट वगैरह बहुत अच्छी अच्छी थी, वुलन ड्रेसेस भी यहाँ पे थी। और मुझे जो कि सबसे ज़्यादा अच्छे लगे यहाँ पे वुलन नाइट सूट्स थे, आप देख सकते हैं 150 रुपीज़ के सेट थे, आप देखिए तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही कम्फर्टेबल लगते हैं। तो मैंने नाइट सूट भी यहाँ से लिया था, तो आप देख सकते हैं कितनी सारे पैटर्न में यहाँ पे नाइट सूट्स थे। नेक्स्ट शॉप की हम बात करते हैं तो ये शॉप नंबर 56, यहाँ पे डेनिम जैकेट्स का कलेक्शन बहुत ही सारा था। अगर आपको डेनिम जैकेट्स चाहिए तो आप इस शॉप पे ज़रूर जाना। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 150 रुपीज़ में पजामाज लगे हुए हैं नाइट सूट के लिए। और ना ऐसे भैया नीचे ऐसे कैप लगा के, बहुत सारी कैप्स वगैरह इनके पास थी, आप देख सकते हैं बहुत सारा कलेक्शन था। जो आजकल विंटर के लिए चल रही है ना, बहुत ही ट्रेंडी कैप्स, वो इनके पास थी, तो मैंने वहाँ से ये भी ली थी। थोड़ा सा आगे जाके ऐसे छोटे छोटे रेडी टाइप लगा के रखते हैं भैया, तो इन पर बहुत ही फंकी इयररिंग्स और नेकलेसेस वगैरह थे। उसके बाद मैं इस शॉप पे गई थी, तो यहाँ पे मुझे नॉर्मल यहाँ पे मैंने एक्सप्लोर किया था, देख रही थी मैं कि कुछ पसंद आ जाए। तो यहाँ पे शूज़ की वैरायटी थी बहुत सारी, आप देख सकते हैं सरोजनी नगर में ना आपको बेल्ट का कलेक्शन बहुत ही अच्छा मिलेगा, आप देखिए यहाँ पर। तो इस शॉप नंबर 61 पे अगर आपको कोई भी ट्रेंडी ड्रेसेस चाहिए ना, तो आप इस शॉप पे ज़रूर जाना, आपको ट्रेंडी ड्रेसेस यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं ऐसे ही मैं एक्सप्लोर कर रही थी, तो मुझे ये वाला एक नियॉन कलर का स्वेटर दिखा, जो कि मुझे बहुत ही कम प्राइस में दे दिया उन भैया ने, तो मैं आपको वो हॉल वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। बैग्स का कलेक्शन सरोजनी नगर में इतना अच्छा होता है ना कि आपको इतना मन करेगा कि ये बैग ले लूँ, वो बैग ले लूँ। आप देख सकते हैं टेडी फर वाले बैग भी थे यार, कितने क्यूट बैग्स थे, मुझे इतना पसंद आया ना उनका बैग्स का कलेक्शन, बहुत सारे। एक तो ना कलर्स भी इतने पेस्टल कलर्स, इतने प्यारे प्यारे कलर्स में मिलते हैं बैग्स, तो आप देख सकते हैं इनका कलेक्शन। प्राइजेस भी 350 to 500 रुपीज़ हैं, जो छोटे वाले बैग्स हैं पूरे 350 के हैं, और जो ऊपर साइज में बड़े बड़े लगे हैं वो 500 के बता रहे थे भैया। तो ये वाइट कलर का बैग भी देखिए कितना ज़्यादा प्यारा है। शॉप पे इनका देखिए आप शूज़ का कलेक्शन कितना अच्छा है। शॉप नंबर 191 है ये, यहाँ से मैंने एक हील्स और बूट्स लिए हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इनके पास ना ये बैग्स का कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप इस शॉप पे भी ज़रूर जाना यार, मुझे ये शॉप बहुत अच्छी लगती है। कोई भी बूट्स वगैरह लेने होते हैं तो मैं यहीं जाती हूँ। ऐसे ही मार्केट को अगर आप जा रहे हो ना एक्सप्लोर करने, तो इन छोटे छोटे जो भैया रेडी लगा के खड़े होते हैं ना, इन पे ज़रूर रुकना, आपको कुछ ना कुछ पसंद आएगा। जैसे कि मुझे इस पे 100 रुपीज़ का स्वेटर पसंद आया है, मुझे बहुत प्यारा लगा यार। और मैं आपको यही बोलूँगी
कि कहीं भी जा रहे हो ना तो उसको एक बार पीस को अच्छे से चेक कर लो, क्योंकि जो इन पे लगे होते हैं वो थोड़े से ख़राब भी निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वेट शर्ट स्वेटर बहुत सारे अवेलेबल है 200 to 300 रुपीज़ में। शॉप नंबर 21 में ना ऐसे स्वेट शर्ट्स वगैरह बहुत सारी थी और ना बहुत ही क्लीन पीसेज मुझे यहाँ के लगे, प्राइजेज भी मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके जस्ट पास थी एक शॉप नंबर 23, वहाँ पे ये 100 रुपीज़ में स्कर्ट दे रहे थे। तो ये मैंने एक क्रिसमस आउटफिट बनाने के लिए रेड कलर की स्कर्ट ली। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा तो ज़रूर करना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ऐसे ही मैं थोड़ा बहुत घूम रही थी तो आप देख सकते हैं ये एक शॉप है, शॉप नंबर 23 ही है ये। यहाँ पर वर्सिटी वगैरह भी बहुत अच्छी अच्छी थी। तो यहाँ पर देखिए आप, बड़े बड़े सिल्वर झुमका के कलेक्शन थे, 50 रुपीज़ के झुमका दे रहे थे, आप कोई से भी ले लो 50 रुपीज़ में। छोटे वाले जो नीचे लगे हुए हैं वो 30 रुपीज़ के थे, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलेक्शन था। यहाँ पे ना चोकर वगैरह भी थे तो आप वो भी देखना। तो ऐसे छोटी छोटी जगह आप ये देख सकते, सिल्वर ज्वेलरी का कलेक्शन इतना प्यारा, और ये पेंडेंट्स जो लगे हुए ना उनका कलेक्शन भी बहुत अच्छा था वहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये ब्लेज़र वगैरह बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन दिखेगा आपको, कोट और ब्लेज़र्स का तो बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन अच्छा दिखेगा आपको। जब हम ग्रेफिटी लेन में जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो वहाँ पे एक ये वाली शॉप थी ग्रेफिटी लेन के जस्ट सामने। अगर आपको नाइट सूट्स चाहिए ना अच्छे अच्छे, जो कि ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं, सैटिन के नाइट सूट्स और ये जो विंटर वेयर के नाइट सूट्स होते हैं, बहुत ही अच्छा कलेक्शन होता है इन अंकल के पास। ग्रेफिटी लेन के जस्ट सामने ही है, उसके जस्ट पास में एक बैग की शॉप है, वहाँ पे भी ना 350 के, आप देख सकते हैं सेल लगी थी 350 रुपीज़ में। ये वाले बैग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे बैग्स थे यहाँ पे भी। और ऐसे ही मैं चेक कर रही हूँ 150 रुपीज़ में यहाँ पे स्कर्ट्स मिल रही है। फर वाला तो ना वहाँ पे यार इतना ज़्यादा चल रहा था, बहुत सारे, और बहुत सारे लोग ले भी रहे थे फ़र वाले, बिकॉज़ आजकल फ़र वाली जैकेट स्वेटर्स बहुत चल रहे हैं। टेडी फ़र की मैं बात कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं वुलन कलेक्शन कितना ज़्यादा है सरोजी नगर में। तो यही मैंने देखा ना, एक शॉप थी वहाँ पे ना, एक से भैया लगे हुए थे साइड में ऐसे लेके, उन्होंने 100 रुपीज़ में लगा रखा था, और 100 रुपीज़ में मुझे एक ब्लैक कलर का वन पीस दिखा जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। सो शॉप नंबर 58 की मैं बात करती हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे बैग्स मिल जाएंगे। और आप ये छोटे छोटे क्यूट से बैग देख रहे हो ना, इनमें भी मैंने लिए हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। यार बहुत अच्छा बैग का कलेक्शन है इनका, तो आप ना नोट्स लगा लो। वर्सिटीज़ अगर मैं बोलूँ, शॉप नंबर 13 पर जाके अगर आपको वर्सिटी जैकेट चाहिए ना तो शॉप नंबर 13 पर ज़रूर जाना आप, आपको बहुत अच्छा कलेक्शन मिलेगा वहाँ पर भी। सो आप देख सकते हैं ब्लेज़र वगैरह का कलेक्शन कितना ज़्यादा है, जो कलर में आपको चाहिए ना वो आपको इजीली मिल जाएगा, बट हाँ बार्गेन करना वहाँ पे ज़रूर। तो वहाँ पे सरोजी नगर में देखिए आप, यहाँ पे 150 रुपीज़ में ब्लेज़र मिल रहे थे, बट ये काफ़ी ओवर साइज थे, मतलब मम्मी वगैरह के लिए थे। और कुछ भी चीज़ लो ना यार, चेक कर लेना कि वो पीस क्लीन तो है ना सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं शॉप नंबर 98 को, यहाँ पे भी बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लेज़र्स थे। यहाँ पे मुझे ना लेदर के ब्लेज़र भी मिले हैं, लेदर वाले जो ब्लेज़र्स चल रहे हैं ना आप ये देख सकते हैं ब्लैक कलर का, तो यहाँ पे ब्लैक कलर का लेदर वाला ब्लेज़र भी था, अंदर पूरा उसके फर मटेरियल था, उस टाइप के ब्लेज़र्स थे यहाँ पे। इस शॉप पे ना पैंट्स वगैरह का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो आप देख सकते हैं ऐसे ही ना पैंट्स वगैरह का कलेक्शन आपको बहुत सारी शॉप से मिलेगा। शॉप नंबर 24 पे भी आपको बहुत ही अच्छा विंटर कलेक्शन मिलेगा, और जो थोड़ी चमचम वाली ड्रेसेस होती है ना वो भी इस शॉप पे बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ से मैंने ऐसा सेट लिया है, मुझे बहुत ही प्यारा लगा वो सेट, नेवी ब्लू कलर का सेट था वो, मैंने सेम यहाँ से लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही क्यूट क्यूट चीज़ें लगी है विंटर्स के लिए, काफ़ी अच्छी थी। शॉप नंबर 4 पे ना भैया बोल रहे थे 200 रुपये में ले लो सब कुछ 200 रुपये में, तो यहाँ पे 200 रुपये से मैंने 2-3 इनर वगैरह पहनने के लिए लिए थे जो कि जैकेट्स के अंदर काम आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मार्केट को, ऐसे ही मैं गई थी तो मुझे ना दो बार जाना पड़ा था, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम गए थे वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार,
और इन सब शॉप्स पे इयररिंग्स आप ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं यार इयररिंग्स वगैरह जब मैं पहनती हूँ। मुझे पूछते भी हैं बहुत लोग कि आपने ये इयररिंग्स कहाँ से लिए। सो ऐसे झुमकास भी आपको मैंने पहले भी बताया था, वहाँ पे ना इनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा सच में। शॉप नंबर 182 की मैं बात करूँ तो यहाँ का भी विंटर कलेक्शन बहुत अच्छा था, और यहाँ पे देखिए पिंक कलर का टॉप मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये कलेक्शन भी इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो आप देख सकते हैं ये फ़र वाली जैकेट की मैं बात कर रही थी, ऐसा बहुत ज़्यादा कलेक्शन वहाँ पे आपको भी मिलेगा। सो ऐसे ही आप एक्सप्लोर करना मार्केट को, बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ है अभी तो। और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं एक्सप्लोर हॉल वीडियो डालूँ अपनी। बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शन मैंने लिया, उसमें मैं आपको ट्राई करके दिखाऊँगी मैंने क्या क्या लिया। सो वुलन ड्रेसेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने पिछली बारी भी ली थी, इस बारी भी ली है मैंने, 200-300 में वुलन ड्रेसेस मिलती है वहाँ पे, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इस शॉप पे भी ना सब 200 रुपीज़ का था, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे ना पैंट्स मिल रही थी, जो पैंट्स नहीं होती फॉर्मल पैंट्स, वो 150 रुपीज़ में मिल रही थी, तो मैं चेक कर रही थी कि यहाँ पे कौन सी पैंट सबसे अच्छी लगती है, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा। और ना पता है यहाँ की अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ, इतना ट्रेंडी टॉप का अच्छा कलेक्शन था ना ये शॉप नंबर 105 पे, बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। जो H&M में टॉप्स वगैरह मिलते हैं ना, वो टॉप है देखिए वह ब्लैक वाला लग रहा है ना, वो H&M का टॉप है सच में, उसमें टैग भी लगा हुआ था H&M का। बहुत अच्छा लगा मुझे कलेक्शन। विंटर ड्रेसेस आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलेक्शन दिखेगा आपको। टाई डाई प्रिंट की जो टी शर्ट्स होती है ना, इस शॉप पर बहुत सारी अवेलेबल थी, आप देख सकते हैं लाइन से भैया ने लगा रखी है। सो इस शॉप पे मैं पहले भी गई थी, जूतियाँ मैंने यहाँ से ली थी, आप देखिए कितनी प्यारी शॉप थी ये। शॉप नंबर 137 की बात करूँ ना, तो ये फ़र वाली जैकेट मुझे बहुत अच्छी लगी। और भी ना इस शॉप पे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलेक्शन आता है, बट ये भैया बहुत ही ज़्यादा अड़ियल हैं, बिल्कुल भी कम नहीं करते हैं, जो प्राइस में बोलेंगे उसी प्राइस में देंगे ये। तो यहाँ से भी मैंने एक दो चीज़ें ली थी जो कि मुझे अच्छी लगी, इनका कलेक्शन होता है यार यूनिक, तो इस शॉप पे भी ज़रूर जाना, ट्राई करना जाके। शॉप नंबर 101 पे मैं ना जाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सरोजी नगर की बेस्ट ज्वेलरी शॉप मुझे ये लगती है पर्सनली, और ये सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप है सरोजी नगर में, मुझे तो ऐसा ही लगता है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, आप देखिए डबल चेन सिंगल चेन, और ना भैया बिल्कुल भी कम नहीं करते हैं, बट कम नहीं करते ना उसके साथ ये प्राइस भी यार सही लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइस बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, काफ़ी सही प्राइस लगाते हैं। तो ज्वेलरी वीडियो भी मैं डालूँगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं ज्वेलरी हॉल वीडियो भी डालूँ कि नहीं, उस अकॉर्डिंग मैं ज्वेलरी हॉल वीडियो डालूँगी। तो ये देखिए आप ब्रेसलेट्स वगैरह दे रहे थे ये 200 रुपीज़ में, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे ये ब्रेसलेट्स, मैंने भी परचेस किए हैं, तो इनका कलेक्शन आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, और मास्क चेन भी सरोजी नगर में मिल रही थी यार 100 रुपीज़ में, मैंने 3 मास्क चेन लिए हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट हॉल वीडियो में दिखाऊंगी। थोड़ी ना भीड़ हो गई थी इसलिए मैं ज़्यादा थोड़ा कम बना पाई हूँ क्लिप्स। तो आप देखिए यहाँ पे ना चंकी इयररिंग्स बहुत ही प्यारे प्यारे मिल रहे थे, और आप देख सकते हैं ये वाले, इनकी मैं बात कर रही हूँ, स्टोन्स वाले जो इयररिंग्स होते हैं ना वो भी मिल रहे थे, ये देखिए आप। तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस में आपको मिलेंगे, प्रिंटेड वाले भी मिलेंगे और डिज़ाइंस वाले भी मिलेंगे। चेरी वाला तो मैं पहले भी परचेस कर चुकी हूँ और वो मुझे अभी तक बहुत अच्छा लगता है। रिंग्स का कलेक्शन भी इनके पास बहुत अच्छा था। शॉप थी यहाँ पे बहुत सारी टी शर्ट्स मिल रही थी लड़कों के लिए, तो ये वो एक शॉप थी। बेल्ट का कलेक्शन भी आपको बहुत डिफरेंट मिलेगा यार बहुत, पर आपको कम कराना पड़ेगा, भैया बहुत ज़्यादा लगा के बोलते हैं, कोई भी बेल्ट की शॉप पे आप चले जाओ
तो आपको बार्गेनिंग वहाँ पे करवानी ही पड़ेगी, आप देख सकते हो। तो ना ये जो स्कार्फ्स वगैरह होते हैं वो भी वहाँ पे अवेलेबल थे, काफ़ी ज़्यादा प्रिंटेड, 50 रुपीज़ के स्कार्फ दे रहे थे वो। सो ये शॉप थी जहाँ पे ऐसे ही साइड में भैया खड़े होते हैं, इनके पास सिल्वर ज्वेलरी का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और इस टाइप की पैंट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी अभी के टाइम पे सरोजी नगर में, वुलन पैंट्स इनको बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन है इसका। तो बट आप चेक करके लेना, पुराने पुराने भी थे वो, तो मैंने बहुत ही चेक करके लिया है, एक लिया है मैंने मम्मा के लिए। और ग्रेफिटी लेन यार आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलेक्शन होता है ग्रेफिटी लेन का। अगर भैया बोले ना 750, तो आप 200 रुपये उनको लगा रहे हो, वो कम करते हैं। ये वाला आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस, बहुत ही क्यूट क्यूट। तो यार दैट्स इट यार, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हॉल वीडियो का ना वेट करना, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।